बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एपी का ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ये चैप्टर जो है आईसीएसई क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम लोग थ्योरी जीपी का सारा थ्योरी और साथ में बहुत सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से समझना और इसमें सफिशेंट प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। हम लोगों को क्लास में भी करना पड़ेगा और आप लोगों को क्लास के बाद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहलाता है, सीक्वेंस होता क्या है एग्जैक्टली, हम लोग एपी में भी डिस्कस किए थे इसके बारे में। सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस अरेंजमेंट होता है कुछ नंबर्स का। ठीक है, सीक्वेंस जो होता है अरेंजमेंट होता है कुछ नंबर्स का जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। ठीक है, तो सीक्वेंस का है अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है कुछ रूल के अंतर्गत। ठीक है, कुछ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस जीपी कब कहलाता है, सीक्वेंस एपी कब कहलाता था, जब नंबर्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस बनता था। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता था तो वो एपी कहलाता था। जीपी कब कहलाएगा नंबर, जीपी तब कहलाएगा नंबर जब आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर का रेशियो, ठीक है, फिक्स होगा तो वो जीपी कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसमें रेशियो है, उसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म था, एक कॉमन डिफरेंस था, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो है। ठीक, कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो था, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है दोनों में, अंतर तो है वैसे मतलब में। ठीक है, ज्योमेट्रिकली बढ़ना मतलब प्रोग्रेसिवली बहुत ज़्यादा, जो कोविड था, कोविड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोविड ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा था। ठीक है, ज्योमेट्रिकली बढ़ना, ठीक है, मल्टीपल हो जाता था। ठीक है, एकदम से। सो डिफरेंस मतलब में भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन ये जो है सीक्वेंस का ही हिस्सा है दोनों का दोनों। ठीक है, दोनों भाई ही है, दोनों सीक्वेंस का ही हिस्सा है। ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो नेचर अलग अलग है दोनों का। तो डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस इज सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी पी इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रिसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रिसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, 32 है, ये क्या है, जीपी में है। जीपी में क्यों है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट, जो कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली वो सेम है। ये तुम्हारा एक टर्म है सेकंड टर्म, ये प्रिसीडिंग टर्म है 8 का, ये प्रिसीडिंग टर्म है। जब हम रेशियो निकालेंगे 4/2 या फिर 8/4, मतलब 2 और 4 का रेशियो निकालेंगे या फिर 8/4 का रेशियो निकालेंगे अगर 16 या 8 का रेशियो निकालेंगे, तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलने वाला है, 1/2 मिलने वाला, जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा 1/2। ये क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, सो वही डेफिनेशन में बोल रहा है, एंड कांस्टेंट टर्म इज आल्सो कॉल्ड कॉमन रेशियो, जिसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, राइट। चलो, तो जनरल टर्म डिराइव करते हैं। जनरल टर्म क्या होता है जीपी का, ठीक है, जैसे हम लोग एपी में किए थे, फर्स्ट टर्म क्या था, ए था, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग का, यहाँ पे ए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे ए है। ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए आर हो जाएगा, दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा आर। ठीक है, रेशियो है ना, तो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ऐसे फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए आर क्यू। ठीक है, पिछले चला जाएगा, वहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो है ना यहाँ पे,
ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे 4/2 किए हम लोग, 4/2 किए, एक नंबर हम लोग को मिला कांस्टेंट, तो 4 = क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो नंबर था 4, इसमें k टाइम्स मल्टीप्लाई हो कोई नंबर आया है, तो यहाँ पे जो k है क्या रेशियो है, एग्जैक्टली रेशियो है के, तो यहाँ भी r क्या है रेशियो है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड टर्म में, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और निकालेंगे अपना nth टर्म। एन टर्म क्या हो जाएगा फिर, एसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, एन टर्म को क्या बोलते हैं जनरल टर्म जेपी। अभी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नोट करो ज़रा, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म R0 था, यहाँ पे R1 R2 R3, तो फर्स्ट में 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में 3, तो एंथ में क्या हो जाएगा, AR(n-1), तो दिस इज द एंथ टर्म ऑफ द जेपी, एंथ टर्म ऑफ द जेपी। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है जो हम लोग को लर्न करना है, जो हम लोग को याद करना है या फिर समझना है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि एनी हाउ हम लोगों को एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है इस पर तो बना के आना है। ठीक है, तो या फिर तो इसको याद करना है या फिर तो इसको समझ के चलना है, समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब सम देखते हैं, सम क्या होता है एन टर्म उसका, जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 केस लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे केस वन क्या होगा, केस वन ठीक है वह है अगर हम लोग का आर जो होगा 1 के बराबर होगा, मतलब जब आर 1 के बराबर होगा तो कौन सा नंबर मिलने वाला है हम लोगों को, इसका मतलब तो यही हुआ कि सारा नंबर सेम ही है। ठीक है, मतलब ए ए ए और ये जाने वाला है एन टर्म्स तक। ठीक है, एन टर्म्स तक जाने वाला है ए, इसका सम करें तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और जानते हैं इसके बारे में, और हम लोग यहाँ पर लिखे a+ 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 एन टर्म्स तक, तो क्या मिलने वाला हम लोगों को, क्योंकि तो यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो R = 1 है हर जगह, यहाँ पे सारे टर्म्स के बीच R = 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करके कितना आएगा, 10 आएगा, और क्योंकि 5 टाइम्स है 2, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 5 × 2। ठीक है, तो एन टाइम्स ए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन ए आएगा। केस टू, केस टू क्या होने वाला है, केस टू अगर हम लोग का आर जो है छोटा होगा 1 से तो क्या होगा, अगर हम लोग का आर जो है छोटा होगा 1 से तो क्या होगा, मतलब आर छोटा होगा 1 से मतलब क्या होगा, आर एक फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, सो अगर आर 1 से छोटा हुआ तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, हम लोग का बनेगा फॉर्मूला सम का, S = a^(1 - r)^(n)/(1 - r)। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा हम लोगों का सम का, जीपी का, SM = a^(1 - rn)/(1 - r)। ठीक है, 1 बड़ा है इसलिए 1 पहले रहेगा, आर छोटा है तो आर बाद में रहेगा, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, केस 3, अगर आर 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, अगर आर 1 से बड़ा हुआ तो SN क्या हो जाएगा, SN = a^(rn-1)/(r-1)। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा फिर, इस केस में हम लोगों का आर पहले रहेगा और 1 बाद में रहेगा, क्योंकि आर जो है 1 से बड़ा है, आर जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर पहले आएगा 1 बाद में आएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली साइन तो कैंसिल हो ही जाएगा, बट लिखना सही रहता है ऐसा। ठीक है, सो केस 1 केस 2 केस 3 हम लोग 3 देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक आता सम टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनाइट सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है, ठीक है, सम टू इन्फिनिटी क्या होता है एग्जैक्टली, तो उस केस में सम का सम कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सम टू इन्फिनिटी क्या होगा, सम टू इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी क्या होगा, तो सम टू इन्फिनिटी डिफाइंड कब है, मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है a^(1 - r)। क्या होता है, a^(1 - r)। ये होता है सम टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये कब डिफाइंड है एग्जैक्टली, अगर आर का वैल्यू हम लोग का एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम लोग का एन इन्फिनिटी की तरफ जाता है,
और हम लोग का एन जो है इन्फिनिटी को टेंड करता है, मतलब इन्फिनिटी तक जाता है एग्जैक्टली। एन टर्म्स बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे, और हम लोग बोले इन्फिनाइट टर्म्स है उसमें, तो क्या हो जाएगा? तो आर का पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। आर का पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर एन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो इस जगह पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी नहीं है पावर में, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे एन नहीं है पावर में, यहाँ पे एन है पावर में। और एन के जगह पे हम लोग इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेसिकली, आर छोटा है वन से, तो कंडीशन डाल दो फिर आर इज लेस देन वन, ठीक है। आर जो हो है छोटा होगा वन से, उस केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। मतलब एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के बारे में सोचो जरा, वन बाय टू, तो 1/2 का पावर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग? एक टाइम आएगा जब हम लोग को बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम बोलते हैं 1/2, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको, अगर हम लोग इसका पावर बढ़ाते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बट इसका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4, ये 1 ही रहेगा। फिर स्क्वायर करते हैं इसका तो क्या होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/16, फिर 1/256, मतलब एक नंबर छोटा हो रहा है, और छोटा होते होते इतना छोटा हो जाएगा कि जीरो के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। सो उस केस में क्या हो जाएगा? टर्म जीरो हो जाएगा, और हम लोग का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? a(1 - r), ठीक है। तो ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रखिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है, उसको समझ लो, याद कर लो अच्छे से। नो थ्री और मोर टर्म्स इन जीपी, अगर जीपी में तीन या तीन से ज़्यादा टर्म दिया है तो क्या क्या नंबर का एजम्पशन करते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि एपी में भी किए थे हम लोग। अगर तीन टर्म आएगा, चार टर्म आएगा, पांच टर्म आएगा, तो कैसे हम लोग उसको लिखते हैं, क्या एजम्पशन हम लोग का होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग का एजम्पशन क्या क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो थ्री टर्म्स, थ्री और मोर टर्म्स, थ्री टर्म्स रहेगा तो क्या होगा? इन केस ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स रहेगा तो क्या होगा? कौन कौन सा नंबर हम लोग लेंगे? तो हम लोग लेंगे यहाँ पे a/r, a और ar, ठीक है। ये तीन नंबर लेंगे हम लोग जब भी जी पी को एज्यूम करेंगे, लेट दिस 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 बी द नंबर्स इन जी पी, ऐसा कुछ एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। और फोर नंबर रहेगा तो, फोर टर्म्स रहेगा तो, फोर टर्म्स के लिए हम लोग कर लेते हैं a/r³, a/r, ar and ar³, ठीक है। फाइव टर्म्स रहेगा तो कैसे लेंगे? फाइव टर्म्स के केस में लेते हैं हम लोग a/r² a/r, a/r² ठीक है। तो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों लेना है, इस तरह से लेना है तो आराम से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कैंसिल हो जाता है सारा का सारा, आर ए बच जाता है, तो एक आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में इतना ही है, जनरल टर्म सम, सम में तीन केस आए हैं अपने पास में, सम टू इन्फिनिटी है और कुछ एजम्पशन है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो भी है इसका हम लोग क्वेश्चन करते समय डिस्कस कर लेंगे, कुछ सामने आएगा तो, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत इजी आता है इस पर, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है वैसा वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, लेकिन उससे पहले हम लोग आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये सीक्वेंस है जीपी में, ठीक है, सीक्वेंस है जीपी में, है कि नहीं पहले चेक कर लो। द गिवन सीक्वेंस इज, गिवन सीक्वेंस इज √5, 5 and 5√5... इसका आगे का तीन टर्म निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले, नाउ 5/√5, ठीक है, ये रेशियो हो गया, ठीक है, √5, √5 रेशनलाइज कर देते हैं इसको हम लोग, √5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 5√5/5, ठीक, 5 आ गया, अगेन 5√5/5 = √5 हो जाएगा। सो यहाँ पे तो सेम आ रहा है रेशियो, नाउ सिंस
कॉमन रेशियो इज सेम, सो सीक्वेंस इज इन जीपी, जीपी में है, देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, कौन कौन सा है, तीन तो दिया है ये, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए आर थ्री, ठीक है, आर तो मालूम है, ए भी मालूम है, सो रूट फाइव इंटू आर कितना है, रूट फाइव का पावर थ्री, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रूट फाइव इंटू फाइव रूट फाइव इज इक्वल टू फाइव, फाइव जा 25 हो गया। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू ए आर फोर दिस रूट फाइव, रूट फाइव का पावर फोर, सो दिस इज रूट फाइव इंटू 25, सो दिस इज 25 रूट फाइव, एंड सिक्स टर्म क्या होगा इसमें, सिक्स टर्म इज इक्वल टू ए आर फाइव इज इक्वल टू रूट फाइव, रूट फाइव का पावर फाइव, ये हो जाएगा रूट फाइव, यहाँ पे हो जाएगा 25 रूट फाइव, 25 रूट फाइव, सो दिस इज 125, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 द नेक्स्ट टर्म इज 32, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया वहाँ पे, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 64 एंड द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इसके बाद का टर्म क्या दिया है, 32 एंड नेक्स्ट टर्म इज 32, ठीक है, देयरफॉर कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, मतलब 32 164, दिस इज 1/2, 1/2 इज द कॉमन रेशियो, सो कैसे मिलेगा हम लोग को सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो पता है अपने को, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए आर 64 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 32, ए आर स्क्वायर मतलब 64 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 16, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, ए आर थ्री, सो 64 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर रिक्वायर्ड जीपी इज 64 32 16 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसमें नेक्स्ट टू टर्म निकालना है, चार टर्म तो दिया है, द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज 2 - 6 + 18 - 4 डॉट डॉट डॉट, ये है नाउ हियर -6/2 इज इक्वल टू 18 -6 इज इक्वल टू -54 +18 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर कॉमन रेशियो द सीरीज इज -3, द सीरीज इन जीपी, जीपी में है ये, ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट थ्री टर्म क्या है, चार तो दिया हुआ, पांचवा टर्म, सो ए फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर फोर, सो ए कितना है यहाँ पे 2, आर कितना है -3, -3 का पावर 4, सो दिस इज 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब 81, मतलब 162, ठीक है। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म इज ए आर फाइव,
टू माइनस थ्री का पावर फाइव इज इक्वल टू टू इन टू कितना हो जाएगा 243, 243 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर इवन था तो प्लस बाहर आएगा, ऑड रहेगा तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है। दिस इज 684 माइनस 486 सेवन टर्म क्या हो जाएगा, सेवेंथ टर्म इक्वल टू ए आर सिक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री का पावर सिक्स, ठीक है, तो हो जाएगा टू इंटू सेवन टू नाइन, ठीक है, 243 इंटू थ्री कितना होता है 9 to 7, 7 to 9, ओके, 9 to 18 एट 4 5 14 1 4 5 8, ठीक है, तो इस तरह से कैरी कर लेंगे हम। तीन टर्म कौन सा होगा, दिस दिस एंड दिस, या माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस थ्री है और पावर कितना ऑड है तो माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक वार्म अप था हम लोग के लिए, ठीक है, जस्ट यहाँ पर हम लोग वार्म अप किए हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के साथ में। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका ज़्यादा रह गया। देखो बाबू, यहाँ क्वेश्चन दिया है सेकेंड टर्म ऑफ ए जी पी इज 6 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, फाइंड द जी पी, कंसिडर दैट इज टर्म ऑफ जी पी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकेंड टर्म गिवन, क्या गिवन है, सेकेंड टर्म मतलब ए आर इज इक्वल टू 6 फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स इज थर्ड टर्म एंड इस फिफ्थ टर्म कौन सा होगा ए आर 4 इज इक्वल टू 9 टाइम्स थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। इस पर ध्यान देना कैसे लिखते हैं, ठीक है, फिफ्थ टर्म को ए आर 4, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड टर्म को ए आर, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ। फाइंड द जी पी, जी पी निकालना है तो पहले ए और आर निकल जाएगा, जी पी भी निकल जाएगा, ठीक है, ए आर दिया हुआ 6, यहाँ पे ए आर 4 दिया हुआ है 9 ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग ए आर 4 अपॉन क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ए कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज सॉरी आर आर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। आर का वैल्यू क्या आया हम लोग का, प्लस माइनस 3 आया, बट ओनली क्या बोला है, जी पी इज दैट दिस इज टर्म ऑफ द जी पी इज पॉजिटिव सिंस इज टर्म ऑफ जी पी इज पॉजिटिव, सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, एंड वी हैव ए आर इज इक्वल टू 6, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, तो एक वैल्यू कितना है 2 आया, आर 3 आया, देयरफॉर रिक्वायर्ड जी पी क्या होगा हम लोगों का, देयरफॉर रिक्वायर्ड जी पी इज क्या होगा हम लोगों का ए आर, ए होगा पहले फिर ए आर होगा फिर ए आर स्क्वायर होगा डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ पे ए तो आया अपने 2, ठीक है, ए आर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 18, ठीक है, डॉट डॉट, दिस इज द ए पी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, या कुछ प्रूव करने का है, तो फिफ्थ एट्थ एंड इलेवेंथ टर्म ऑफ द जे पी आर पी क्यू आर, ठीक है, सो गिवन क्या दिया हुआ है फिफ्थ टर्म ए आर 4 इज इक्वल टू पी और क्या एथ टर्म ए आर 7 इज इक्वल टू क्यू, इलेवेंथ ए आर 10 इज इक्वल टू क्या दिया है आर, ठीक है, ये दिया हुआ है, सो प्रूव दैट Q
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं देयरफॉर क्यू आर लेते हैं। ठीक है, क्यू आर क्या है, क्यू क्या है अपना ए आर सेवन इंटू आर कितना है AR10। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर 17, सॉरी यहाँ पे PR था ना, PR तो P लेंगे, यहाँ पे एयर फोल्ड लेंगे ना, एयर फोल्ड लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, तो ए स्क्वायर आर 14 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ए आर का स्क्वायर सेवन ना हो गया, ए आर सेवन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो बाहर निकालेंगे हम लोग ऊपर से, तो दो बाहर जाएगा तो ए बच जाएगा और यहाँ सेवन हो जाएगा, सेवन टू से 14, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, सिंपल है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके एक्सपोनेंट्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या क्यू है, दिस इज़ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया वेरीफाई, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, डन। ठीक है, बहुत सिंपल था, यहाँ सिंपल नहीं है, ये तीनों है। ठीक है, तीनों दिया, गिवन है, तीनों गिवन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल प्रूफ था, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान था, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस पर आसान क्वेश्चन नहीं आता, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, सो चलो मूव करते हैं आगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोग का, फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज दिस। ठीक है, सीरीज कैसे लिखा हुआ, यह है द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज √2 √2 √2 32। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सॉरी कॉमन रेशियो निकालते हैं पहले। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2 √2, डिवाइड करेंगे दूसरे वाले को पहले वाले से, इज इक्वल टू से क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सीक्वेंस को, नंबर के सीक्वेंस को अगर आगे से पीछे की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो √2 हम लोग का कॉमन रेशियो आता है। बट अगर हम लोग पीछे से आगे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आगे से पीछे कॉमन रेशियो हम लोग का कितना √2 है, तो पीछे से आगे क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर rearranging the series, we get 32 होगा फर्स्ट टर्म फिर। ठीक है, एंड से देखेंगे तो यहाँ लिख दो फ्रॉम एंड we can write the series as 32 √2 हो जाएगा, .. ये √2 यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आएगा, नाउ कॉमन रेशियो इज √1/√2। ठीक है, आगे से अगर आर है तो पीछे से 1/r होगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1/√2। अगर फ्रॉम स्टार्ट, if from start common ratio is r, then from end common ratio is 1/r। ठीक है, तो 1/√2 हो गया कॉमन रेशियो। हम लोग निकालना क्या है, 7 टर्म निकालना है, इसका 7 टर्म निकालना है। ठीक है, इसका 7 टर्म निकालना है, therefore 7th term is equal to क्या हो जाएगा, ए आर सिक्स
तो 32 पहला टर्म है हम लोग का 32, और कितना 1/√2 का पावर 6, सो दिस इज 32 इंटू 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, जो फर्स्ट टर्म है अपना a इज इक्वल टू a होगा, ठीक है, b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर तीन नंबर ए बी सी जी पी में है तो हम लिख सकते हैं इसको बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो ये कंसेप्ट है अपना। अगर तीन नंबर ए बी सी जी पी में है तो हम लोग रेशियो के टर्म में इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए सी अपॉन बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर प्रूव कर दें कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर है, तो ये तीनों टर्म जी पी में हो जाएगा, ठीक है। सो टू प्रूफ, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना, जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ए आर का होल स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लें हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या आया हम लोगों का, इतना आया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर फोर, तो वन प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट हम लोगों को निकालना क्या था, इसका होल स्क्वायर करना था, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो पहले, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ए फोर आर फोर और वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आएगा। नाउ हम लोगों को देखना दूसरा वाला, अब ये इधर वाला देखो, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर का हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, वैसे सी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर फोर प्लस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर आर सिक्स, ठीक है, यहाँ से जो कॉमन निकलता निकाल लो, ए स्क्वायर तो वन प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे फिर ए स्क्वायर बाहर आएगा और आर फोर बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज वन प्लस आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए फोर आर फोर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए फोर हो जाएगा और आर स्क्वायर आर फोर यहाँ का आ जाएगा और यहाँ पे वन प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का ये टर्म है, हम लोग का जो ये वाला टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल है, जस्टिफाई हो गया, हाँ, देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जी पी, ठीक है, जी पी में है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो कंसेप्ट है आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए, और एक ये एंड टर्म वाला क्वेश्चन भी आता है तो इसमें
जो भी रहेगा कॉमन रेशियो हम लोग का स्टार्ट से उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एन से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर एक दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ जी पी, ठीक है, दिस इज गिवन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सम निकालना है, सम कैसे निकालेंगे इसका? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, सो ए इज इक्वल टू रूट थ्री ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालो, आर क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री, दिस इज द कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यहाँ दिया वन बाई थ्री, फर्स्ट टर्म रूट थ्री, तो कॉमन रेशियो क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे, दिस इज मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर इज लेस देन वन, सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सम का, सो एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर का पावर एन वन माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, अगर आर का वैल्यू वन से छोटा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो रूट थ्री वन माइनस आर कितना है, वन बाई थ्री का पावर एन वन माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट थ्री वन माइनस वन बाई थ्री का पावर एन अपॉन हो जाएगा थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। सो दिस इज थ्री से ऊपर चला जाएगा तो थ्री रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री का पावर एन, ठीक है। ये सम टू एन टर्म्स हो जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का, सीरीज का मतलब। क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जे पी इज 27 एंड द एट टर्म इज 1 बाई 81, तो फाइंड द सम ऑफ इज फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज मतलब ए दिया हुआ है 27, ठीक है, एंड एट टर्म ए आर 7 इज गिवन, ए गिवन लिख दो, कितना दिया हुआ 1 बाई 81, ठीक है। हम लोग को निकालना है यहाँ पे कॉमन रेशियो सबसे पहले, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज ए आर सेवन अपॉन ए इज इक्वल टू वन बाई 81 अपॉन 27, ठीक है। सो ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए का पावर 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 81 इंटू 27। अब ये क्या है, ये 3 का पावर 4 है और एक 3 का पावर 3 है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है, तो वन अपॉन 3 का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर 7 इज इक्वल टू 1 बाई 3 का पावर 7, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1 बाई 3, सॉरी आर है ना, यस आर का पावर 7, सो आर का पावर 7 इज इक्वल टू 1 बाई 3, सो आर का पावर 7 इज इक्वल टू 1 बाई 3 का पावर 7, सो आर इज इक्वल टू 1 बाई 3, राइट। अब हम लोग को चाहिए सम ऑफ इज फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। तो एस टेन निकालना है, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू वन से छोटा है, ठीक है। नाउ सिंस आर इज लेस देन वन, सो एस टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन माइनस आर का पावर एन वन माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हम लोगों का, सो ए कितना है हम लोगों का, ए यहाँ पे इज गिवन 27, सो राइट हियर 27, वन माइनस आर कितना है, वन बाई थ्री का पावर 10 आर एन, ठीक है, अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री। नाउ दिस इज 27, वन माइनस वन थ्री का पावर 10 ये हो जाएगा 3 माइनस वन बाई टू, थ्री वन माइनस वन बाई थ्री, सो दिस इज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 81, वन माइनस वन बाई थ्री का पावर 10 अपॉन टू, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये हम लोग का आंसर है, एस टेन हम लोग का इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जी पी हैज़ कॉमन रेशियो इतना एंड लास्ट टर्म इज इतना, सो गिवन दैट कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो दिया हुआ कितना 3, ठीक है गिवन, कॉमन रेशियो 3 एंड लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 486, ठीक है. इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 728, फाइंड द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म निकालना है और यहाँ पर दिया हुआ 728 सम है, ठीक है टर्म्स का. सो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट टर्म क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है. सो हियर 486 इज इक्वल टू ए निकालना है, आर दिया हुआ है 3, 3 एन माइनस वन, ठीक है. ये पहला इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है. नाउ अगेन इज ऑल्सो गिवन दैट कि सम जो है टर्म्स का एस एन इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि 3 जो है, सिंस 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 बड़ा है 1 से, मतलब कॉमन रेशियो तुम लोग का बड़ा है 1 से, तो क्या हो जाएगा, ए 3 का पावर n माइनस 1, ठीक है. सो 3 माइनस 1 एंड इज गिवन दैट 728 इज इक्वल टू ए 3n माइनस 1 बाई 2. सो 728 इज इक्वल टू ए 3 का पावर n माइनस 1, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, दिस इज 16651456 इज इक्वल टू ए एन 3n माइनस 1. तो सम से इतना आ रहा है, टर्म से वहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है. सो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 486 इज इक्वल टू ए इंटू 3 n upon 3. So 486 into 3 is equal to a 3n, ठीक है. तो ए 3n का वैल्यू तो इतना आया है, इसको 1 नहीं मान के इसको मान लेते हैं, ठीक है. इसको मन मान लेते हैं, दिस इंप्लाइज यहाँ पे 1456 इज इक्वल टू a इंटू 3n माइनस ए आ रहा है, ठीक है. अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1456 माइनस 486 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है. अब 486 इंटू 3 कितना होगा, 486 इंटू 3, सो दिस इज 63 से 18, 83 24 25 5 कैरी 2 14, 145 एट आवर. सो 1456 माइनस 1458 इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इंप्लाइज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ए, ए इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर, ठीक है. तो टर्म निकाले, टर्म को एक मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट किए यहाँ पे हम लोग, ठीक है. उसके हिसाब से भी सब्स्टिट्यूशन करके उसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन ए जी पी द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज इतना, फाइंड द रेशियो. तो लेट यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जी पी, ठीक है. ए क्या है फर्स्ट टर्म है और आर क्या है कॉमन रेशियो है जी पी का. तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन,
ठीक है, एस थ्री करना था तो यहाँ थ्री कर देते हैं ना, थ्री करना था इजिकल टू इस सम फर्स्ट थ्री टर्म्स है एंड सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स क्या हो जाएगा इजिकल टू ए आर का पावर सिक्स माइनस वन आर माइनस वन इजिकल टू एस सिक्स, दोनों का रेशियो दिया सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड दैट ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स. So, given S3 upon S6 is equal to 125 upon 152. This implies, divide करो यहाँ पे दोनों को, जगह A R cube minus 1 upon R minus 1 by A R6 minus 1 upon R minus 1 is equal to 125 upon 152. ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा. ठीक है, इंक चेंज कर देते हैं हम. ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर क्यू माइनस वन अपॉन आर सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू 125 अपॉन 152. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ आर क्यू माइनस वन कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर 125 अपॉन 152. ठीक है, दिस इंप्लाइज आर क्यू माइनस वन अपॉन आर क्यू माइनस वन आर क्यू प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू 125 152. ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो वन अपॉन आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 125 अपॉन 152. ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं, आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 152 अपॉन 125. ठीक है, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 152 अपॉन 125. ठीक है, यहाँ बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, अभी दिस इज आर क्यू इज इक्वल टू 527 एंड टू. ठीक है, अपॉन 125. चेक द कैलकुलेशन, यहाँ दिया हुआ 125 और 152. ठीक है, तो 125 152 आया, इसको उल्टा किया हम लोग, ऐड करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर क्यू प्लस वन आया था ना, प्लस वन, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, दिस इज 152 माइनस 125. ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या होगा, दिस इज 27. सो आर इज इक्वल टू 3/5 का क्यूब. ठीक है, आर क्यूब इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू 3/5 इज द आंसर. ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा फील हो कि कुछ क्वेश्चन अटपटा सा आया है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे प्लस हो गया था गलती से, तो आंसर चेंज हो गया था, पूरा वैल्यू ही चेंज हो गया था. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना है, रीचेक करके ज़रूर आगे बढ़ना है. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एकदम सीखे हैं कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जी पी जितना एंड देयर प्रोडक्ट इज़ वन फाइंड द नंबर. अब सम ऑफ थ्री नंबर्स तो हम लोग को पता है, हम लोग लिस्ट स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि कभी तीन नंबर हो, चार नंबर हो, पाँच नंबर हो, तो कैसे हम लोग लेते हैं, किस ऑर्डर में लेते हैं हम लोग उसको. तो वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फॉर्मूला लिस्ट में, तो वो एक बार चेक कर लेना. तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट द थ्री नंबर्स बी ए अपॉन आर ए एंड ए आर. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, सम इन लॉ होगा,
ए आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10. सो एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है ए आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हियर ए क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे. नाउ सम दिया हुआ तो ए का वैल्यू भी 1 ही होगा. ठीक है, कैसे दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/r + 1. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 13/10. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आर लेते हम लोग एलसीएम. सो दिस इज 1 + r + r² इज इक्वल टू 39/10. दिस इम्प्लाइज दिस इज 10 + 10r + 10r² इज इक्वल टू 39r. दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा 10r² - 29r + 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100. 10 √10 क्या होता है, 100 होता है. तो 100 को देखो, 100 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 250 225 55. ठीक है, 25 4 हो सकता है. दिस इज 10r² - 25r - 4r + 10 इज इक्वल टू 0. 5r - 2r - 5 - 2 This is 2r - 5 is equal to 0. This implies 5r - 2 and 2r - 5 is equal to 0. Equal to 2/5 or r is equal to 5/2. दो वैल्यू आया तो हम लोग का नंबर क्या हो जाएगा. अगर हम लोग लेंगे if r is equal to 2/5 तो हम लोग का सिक्वेंस क्या आएगा. Therefore numbers r ए आर इज इक्वल टू 1/2/5 इज इक्वल टू 5/2. ठीक है, ए आ जाएगा 1 और ए आर हो जाएगा 1 × 2/5 इज इक्वल टू 2/5. ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग 5/2 1 × 2/5 एंड इफ आर इज इक्वल टू 5/2 देन नंबर्स आर ए बाई आर कितना हो जाएगा 1/5/2 इज इक्वल टू 2/5 ए इज इक्वल टू 1 एंड ए आर इज इक्वल टू दिस इज 5/2. ठीक है, तो ये निकल गया अपना नंबर यहाँ पे, ये 3 आया 5/2 2/5 1 एंड 5/2. तो दीज आर द 2 सेट्स ऑफ द आंसर. ठीक है, नाउ यहाँ पे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन. अब ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट क्या है, तो किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग ये रिलेशन से इसको डिराइव कर सकते हैं. मान लो इफ ए बी सी आर इन जी पी देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी. दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है. दिस इम्प्लाइज बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, बी के बीच में नंबर है ए और सी के बीच में, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी हो जाएगा. ठीक है, तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. देयरफॉर जी एम हो 14 and 7/32 इज हो जाएगा अंडर रूट 14 × 7/32. ठीक है, 2 7 2 16 कितना हो जाएगा, ये 7/4. द आंसर इज 7/4. 7/4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं यहाँ पे, जितने भी टाइप्स था उसको कवर कर लिए हैं. ठीक है, ये सारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है. सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने बुक से भी प्रैक्टिस करो, सारा फॉर्मूला याद कर लो. ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही. ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो,
हम लोग मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में, किसी और चैप्टर के साथ में, कुछ कोई और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ में, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।